गुड इवनिंग टू ऑल। जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन। जानवी इज देयर। ओके गुड इवनिंग सुनील। सुनील आपने कॉल किया था, यस सर। क्या काम, कुछ काम था क्या? सर वो कल इवेंट है ना सर, अपने कॉलेज में ओके वर्चुअल तो सर, वो वर्ल्ड फोटोग्राफी और वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे सर, उसका ओके हाँ फोटोग्राफी का इवेंट है सर। तो सर गूगल फॉर्म पे वो रखा है सर, नहीं को जब हम सबमिट करते हैं गूगल फॉर्म तो ऑटोमेटिक वो ई सर्टिफिकेट जनरेट होता है और उसके ईमेल थ्रू जाता है डायरेक्ट। हाँ सर उसके इन्फो चाहिए थी सर, इसीलिए कॉल किया था। एक्चुअली मेरे को, मैं उस वे से नहीं बनाता। मैं कैसे बनाता हूँ बताता हूँ मैं आपको। मेरे को नहीं, वो इनको आता है, वो असल सर को ऐसा बनाना। मेरा कैसे बनता है कि मैं क्या करता हूँ, एक जनरल फॉर्मेट रहता है वर्ड में, बनाता हूँ सर्टिफिकेट। और उसके बाद जितने भी पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट होती है एक्सेल शीट में, सपोज 1,000 पार्टिसिपेंट्स है, तो उसकी डायरेक्टली 1,000 की सर्टिफिकेट एक बार में जनरेट हो जाएंगे। और उसको मैं क्या करता हूँ, गूगल ड्राइव पे डाल देता हूँ, और वो लिंक जो है उन सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कर देता हूँ, मेल पे या जहाँ पे भी शेयर करना है आपको, तो वहां से वो डाउनलोड कर लेते हैं। ना सर, सर वैसे भी कर सकते हैं पर लिमिट कम है सर, 99 की सिर्फ सर। हाँ तो फिर उसको 90 है तो भी चलेगा ना उसको, ऐसा भी। आप क्या करने का है, 90 सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको बस सर्टिफिकेट का अगर फॉर्मेट वर्ड में है तो 2 मिनट में बनता है सर्टिफिकेट, वो बन गया। उसको फिर डायरेक्टली क्या करो, आप अपलोड कर दो इसके ऊपर, गूगल लिंक के ऊपर, और वहां से डाउनलोड कर लेंगे। उनको क्या करना है, एक्सेल शीट में नंबर डाल देने का और उसी नंबर से उनकी फाइल सेव करने की, ऐसा। सर आपका जो जी सूट अकाउंट रहता है ना सर, हाँ जी सूट का हाँ बोलो जी सूट क्या। सर, जी सूट का अकाउंट रहता है ना सर, उसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं सर, पर ऐसा बहुत फंक्शन होते हैं सर, उसमें फैसिलिटी ज़्यादा होती है सर रेगुलर अकाउंट से। नहीं मेरे को उसके ऊपर ज्यादा मालूम नहीं है, खाली रिकॉर्डिंग है, मतलब आपको सेशन का रिकॉर्डिंग है, तो वो हमारे हमारे शायद SIM के ईमेल आईडी में वो जी सूट की फैसिलिटी होगी। लेकिन अभी आप जो बोल रहे हो बाकी सर्टिफिकेट्स और वो सब अगर आपको बनाना है, मैं आपको मेरा ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप कॉलेज में आते हो तो मैं आपको मेरे कॉलेज लैपटॉप या PC पे आपको लॉगिन करके दे दूंगा, आप वहाँ पे आके बना लो, या जो भी यूज़ करना है कर लो मेरे ईमेल आईडी से आप, बट पासवर्ड और यूजर नेम नहीं दे सकता मैं आपको। नहीं सर, सर रेडीमेड है सर, पूरा बन गया है सर, गूगल फॉर्म वगैरह। नहीं पर आप बोल रहे हो ना कि जी सूट की फैसिलिटी नॉर्मल ईमेल आईडी में नहीं होता है, तो हमारे SIM के ईमेल आईडी में होगा, मेरे पर्सनल ईमेल आईडी में नहीं है वो, आपके हाँ सर, पर्सनल ईमेल आईडी में भी नहीं होगा वो। तो मेरा अगर आपको चाहिए ऐसा, आप मेरे से शेयर कर रहे हो तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आप करना चाहते हो। मेरे को बोलोगे रिकॉर्डिंग पे डालने के लिए तो ठीक है, PC पे जाकर कर सकता हूँ मैं रिकॉर्डिंग पे डालने में, कोई इशू नहीं है, मैं लैपटॉप पे लेक्चर लेता हूँ। लेकिन अगर आपको बाकी चीज़ें बनानी है और बच्चे से यूज़ करनी है हमारी ईमेल आईडी की, तो इंडियन कॉलेज में आके यूज़ करना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर। स्टाफ भी पार्टिसिपेट कर सकता है क्या उसमें? ठीक हाँ सर, कर सकते हैं ना सर। है यस तो होगा सर, तो करेगा। बाकी बच्चे कहाँ पे है, क्यों नहीं आ रहे वो? अक्षय देर नो सर। क्या हो गया, अक्षय को बोलता हूँ, रुको। ये दोनों ही बचे हुए, बाकी का तो हो गया सबका। जानवी आप पहले वाले सेशंस में थे क्या, लास्ट सेशन में थे आप? यस सर, सो हु वाज नॉट देयर देन? एक कोई नहीं था ना स्टूडेंट लास्ट टाइम? आज एक्चुअली हमें आगे जाके कैलकुलेटर बनाना है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उस कैलकुलेटर का एक छोटा सा पार्ट बनाएंगे, मतलब एक ऐसा डिज़ाइन करेंगे GUI जिसमें कि
लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऐसा कर सकें। वो कैलकुलेटर जैसा दिखेगा नहीं, बट वो फंक्शन कैलकुलेटर जैसा ही करेगा। बाद में हम लोग पूरा का पूरा कैलकुलेटर डिज़ाइन करेंगे। ये प्रोग्राम डिज़ाइन करने का मेरा मेन इंटेंशन ये है कि आपको आगे जाके जब कैलकुलेटर डिज़ाइन करेंगे तो फंक्शंस ऐड करने आने चाहिए। वेयर इज दैट पाइथन? ओके, मॉड्यूल 3 सेशन 3। देखो ये जो अभी पहले हमें क्या करना है बताता हूँ मैं आपको। ये इस प्रोग्राम को मैंने रन किया, ये आपको दिख रहा है क्या? यस सर। तो क्या करना है, सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ 4, यहाँ पे डाला मैंने 2। मैं जब ऐड करता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है, एडिशन ऑफ टू नंबर इज 6। तो 4 प्लस 2 6 बराबर है। अगर सब सब पे क्लिक करूंगा, सब्स्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज 2, तो 4 माइनस 2 इज 2। मल्टीप्लिकेशन पे करता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज 4 इंटू 2, तो 8। एंड डिवीजन पे करता हूँ तो डिवीजन ऑफ टू नंबर इज 2। तो इस टाइप से आना चाहिए। मतलब मुझे पहले क्या करेंगे, ये क्लिक करने पे ये जो आ रहा है, इस पे ये आ रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग बाद में ऐड करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे ये ढांचा क्रिएट करना है, ये जीयूआई क्रिएट करना है। एक बार ये जीयूआई ऐसा दिखने लग गया हमारे प्रोग्राम में, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो फिर इसके अंदर इस ऐड पे फंक्शन डालेंगे, सब पे फंक्शन डालेंगे, उसको इसके साथ लिंक करेंगे, सेव लिंक करेंगे। इसको हम लोग एंट्री बॉक्स बोलते हैं, ENTRO है। ठीक है, वो बताऊंगा मैं आज कैसे करते हैं वो लोग, तो इस वजह से आ जाएगा। तो पहले सेव कर लेंगे इसको। बेसिक कैलकुलेटर बोला है, इंपोर्ट। ये प्रोग्राम जो आज मैं कर रहा हूँ, करवाने वाला हूँ, ये मुझे चाहिए कि आप लोग 2 दिन के अंदर करके गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है। इम्पोर्ट टिक इंटर। फ्रॉम टिक इंटर इम्पोर्ट स्टार्ट। अगर ये ब्लॉक को देखें हम लोग, तो पहले ये विंडो क्रिएट होना चाहिए, तो उसको मैं मिनिमाइज करता हूँ ताकि बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट इज इक्वल टू टिक इंटर डॉट, टिक इंटर डॉट, ठीक है, ये आ गया, विंडो आ रहा है। इसको इस साइज में देना है हमें, ये साइज देना है, तो इसकी ज्योमेट्री डिफाइन करनी पड़ेगी। तो ज्योमेट्री डिफाइन कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना मैंने क्या बोला, क्या कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल? मुझे ये क्रिएट करना है, ऐसा ढांचा क्रिएट करना है, जीयूआई क्रिएट करना है, जिसमें कि एक विंडो होगा, उस पर सिंपल कैलकुलेटर लिखा होगा, फर्स्ट इंटर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। बाद में फिर मैं फंक्शंस ऐड करूँगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, रूट इज इक्वल टू दिस, बाद में रूट डॉट कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है। अगर इसकी बात करें तो
ये इस साइज का है, तो ये मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ तो 800 लिया था, ये 1000 या 800 बाय 800 करता हूँ, और फिर नहीं होगा तो 1000 बाय देखते हैं फिर, तो 800 बाय 800 करते हैं। ये फिर भी ठीक लग रहा है, ये रखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी क्या करना है, इसका नाम देना है हमें, तो रूट डॉट टाइटल, रूट डॉट टाइटल ये हो गया, इसके अंदर टाइटल का नाम डाल देंगे हम लोग, हमारा बेसिक कैलकुलेटर, बेसिक कैलकुलेटर क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल कैलकुलेटर होगा, एक्चुअल कैलकुलेटर जैसे दिखेगा जीयूआई में भी, यहाँ पे नाम आ गया बेसिक कैलकुलेटर। अभी मुझे क्या करना है, अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम है, तो मुझे बताएगा इस लाइन को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनीबॉडी? ये जो लाइन डाला मैंने रूट डॉट टाइटल, इससे क्या हुआ, बेसिक कैलकुलेटर, तो यहाँ पे बेसिक कैलकुलेटर, इस विंडो का नाम जो है ना बेसिक कैलकुलेटर आ गया। और somebody has replied, let me check. Label, exactly, Sahil, good. So what I will do is, एक नाम दे देते हैं, लैब वन इज इक्वल टू, या इसको लैब नहीं देंगे हम लोग, से क्या दे नाम, कुछ भी दे देंगे, पी इज इक्वल टू लेबल रूट टेक्स्ट इज इक्वल टू सिंपल टेक्स्ट कैलकुलेटर, क्या है वो, सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम, ओके। अब लेबल रूट कॉमा टेक्स्ट इज इक्वल टू सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम, इसका फॉन्ट बड़ा है, तो फॉन्ट इज इक्वल टू सिक्सटीन, पी डॉट प्लेस, एक रैंडम डाल के देखते हैं प्लेस उसको, ये जिस हिसाब से आ रहा है ऐसा मुझे लगता है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, दिस इज एक्स, लेफ्ट साइड से इसकी डिस्टेंस है जहाँ से सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, दैट इज एक्स, एंड जो ऊपर से है दैट इज वाई, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ 300 डाल देता हूँ, और यहाँ से जो है मैं 150 डाल देता हूँ, सो एक्स इज इक्वल टू 300 एंड वाई इज इक्वल टू 2P है, सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम, फॉन्ट को नहीं लिया उसने शायद से, तो फॉन्ट को बड़ा करके देखते हैं, अगर ले रहा है देन इट विल बी कि ले रहा है वो, नहीं तो फिर उसका सिंटेक्स चेक करना पड़ेगा फॉन्ट देने का। शायद से नहीं ले रहा है वो, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो इसका, दिस इज द वे, कॉपी का जो है फॉन्ट जो है वो हम लोगों ने कैसे रखा है,
एरियल 12 नॉर्मल रखा हुआ है, आप चाहो तो बोल्ड में भी कर सकते हो उसको, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ, 18 कर देता हूँ, ठीक है। एरियल मतलब यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन भी लिख सकते हो आप, अभी देखेंगे। ये दिख रहा है सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम, ठीक दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा लेफ्ट साइड ले सकते हैं, लेकिन आगे देखेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो कर लेंगे हम लोग इतना आगे। अभी क्या करना है, अभी मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको, फिर हम बार बार नहीं ओपन करेंगे इसको। यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर और फिर यहाँ पे एक एंट्री बॉक्स, यहाँ पे एंटर सेकेंड नंबर और फिर एंट्री बॉक्स, इतना करते हैं, फिर बाद में प्रोग्राम वापस से ओपन करके देखेंगे। तो क्या करना पड़ेगा वो देने के लिए, वो भी टाइप का लेवल ही है आई गेस। तो लैब वन इज इक्वल टू लेवल, टेक्स्ट वन एंटर फर्स्ट नंबर, ये करके इधर ऐसा किया। बाद में क्या करना है, इसका फॉन्ट विंट सब हम लोग एरियल में रखते हैं, खाली फॉन्ट साइज कम कर देंगे। 12 ये हो गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, लैब वन डॉट तो इसके वाई किया तो 100 हो गया, 150 हो जाएगा। और 150 मतलब थोड़ा नीचे, और एक्स ये किया तो इसको थोड़ा सा पीछे ले लेंगे, 150 कर देंगे। देखो यहाँ पे आ गया इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक एंट्री बॉक्स क्रिएट करनी है, तो ई वन इज इक्वल टू एंट्री एंट्री रखेंगे, बाकी कुछ नहीं करना पड़ेगा शायद से। विल चेक कि क्या है सेम एंट्री रूट, ओके। उसका पोजीशन देना पड़ेगा उसको, इवन डॉट प्लेस एक्स इज इक्वल टू एक्स जो हो गया वो हो गया इस साइड से, मतलब लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से थोड़ा सा आगे लेंगे, क्योंकि वो जो अभी फिलहाल स्टार्ट हो रहा था तो 150 से ऊपर वाला स्टार्ट हुआ है, इसमें +50 कर लेंगे, मतलब 200 के ऊपर ही आएगा वो, तो हम लोग सेफ साइड के लिए 250 ले लेते हैं। क्योंकि एक्स जब ऊपर वाला ये जो स्टार्ट हो रहा है ये आपका, ये एक्स 150 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या लिखा लिखना आ रहा है 150 से स्टार्ट होता है, इंटर फर्स्ट नंबर। वैसा मान के चलते हैं कि ये 50 स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो 200 के ऊपर लेना चाहिए सेफ साइड के लिए, 250 लेके चलते हैं हम लोग। और बाद में वाई की जो पोजिशनिंग है, वाई मतलब ऊपर से, तो उसी लाइन में रखना है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू 150 ही रहने देंगे। तो ये थोड़ा सा कम पड़ रहा है फिर भी, तो उसको हम और अच्छा कर देंगे, 300 कर देते हैं। थोड़ा और आगे कर देंगे, 350 कर देंगे। थ्री फिफ्टी कर दिया, ये क्रिएट हो गया हमारा, ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर लिख लिया, अब वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, एंटर सेकेंड नंबर। जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो तो एक दो स्पेस दे दिया करो जब आप नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हो, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, ठीक है।
अभी अगर मैंने इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट नीचे किया तो आप लोगों को समझ में आएगा ना हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, मैं तो बताता हूँ आपको। अभी ये इंटर सेकंड नंबर जो लिखा हुआ है और ये बॉक्स जो है ये क्रिएट कर रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर जैसे ये खाली पोजीशन चेंज करना है उसका, तो मैं क्या करता हूँ इसको एज इट इज कॉपी करता हूँ। एंड यहाँ पे पेस्ट किया, इसको नाम दे देंगे लैब टू, यहाँ पे नाम दे देंगे एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। बाद में ये पोजीशन जो है एक्स की वही रखेंगे क्योंकि जो है वो उसके नीचे ही आना चाहिए, जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ना एंटर फर्स्ट नंबर जो स्टार्ट हो रहा है उसके नीचे ही एग्जैक्टली स्टार्ट होना चाहिए, उसके मतलब नीचे मतलब लेफ्ट साइड से पोजिशनिंग सेम रखेंगे, खाली ऊपर से 150 रखा तो क्या हो जाएगा वो इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर, तो हमें वो थोड़ा सा नीचे कर लेंगे हम लोग, 250 कर देंगे। फिर E2 इसकी पोजीशनिंग कैसे करेंगे, ये जो वहां पे लिखने के लिए जो बॉक्स क्रिएट हो रहा है एंटर बॉक्स उसको कैसे करेंगे हम लोग, तो उसकी पोजीशनिंग के लिए हमें वाई चेंज करना पड़ेगा, एक्स सेम रखते हैं हम लोग, तो वाई कैसे चेंज करेंगे, सो 250 कर देंगे इसको, देखते हैं क्या होता है। एंटर फर्स्ट नंबर यहाँ पे आ गया, कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुआ है, अच्छा यहाँ पे ये लेफ्ट टू आ जाएगा, मैं सेव भी करते जा रहा हूँ साथ साथ में। एंटर सेकेंड नंबर में, ये सेकेंड की स्पेलिंग है फर्स्ट से ज़्यादा होती है, उसके अंदर अल्फाबेट सेकेंड में अल्फाबेट ज़्यादा होते हैं तो उसके हिसाब से इधर ज़्यादा लगेगा हमें। अभी बराबर हो गया, इसको भी मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ ताकि इसके नीचे दिखेगा वो, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज 350। ये 150 है, इसको 200 भी कर सकते हैं हम लोग, ऊपर वाला 150 है ना, ये वाला 200, अच्छा फिर इसको भी करना पड़ेगा, एक सेकेंड है वाई, अभी ठीक है, ठीक है अभी क्या करना है, ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये क्या है, ये बटन्स है, दीज ऑल आर बटन्स, दीज ऑल आर बटन्स, तो हमें बटन क्रिएट करने, चार बटन क्रिएट करने, एक ऐड, एक सब्सट्रैक्ट, एक मल्टीप्लिकेशन और एक डिवीजन से, ये चारों बटन क्रिएट कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे बटन क्रिएट करना आपको आता है, अभी तक जो मैं समझाया किस किस को समझ में आया प्लीज रिप्लाई इन चैट सो दैट आई विल मूव अहेड।
ओके फाइन ना, 3 4 5 6 7 सात लोगों को समझ में आ रहा है। प्रीति वेयर आर यू राइट नाउ? प्रीति यस सर। व्हाट? यस सर। श्रेया एंड सिद्धिका वेयर आर यू? यस सर। ये प्रोग्राम मैं जो करवा रहा हूँ ये आपको करके मुझे सेंड करना है, यस सर। एंड नेक्स्ट सेशन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अभी तक जो छोटे छोटे मॉड्यूल सिखाए हैं मैंने, थर्ड मॉड्यूल के अंदर छोटे छोटे विजेट सिखाए हैं, उसका मैं टेस्ट लूंगा, आपको इधर दे दूंगा, बोलूंगा ये बनाओ और इसकी पोजिशनिंग ऐसी होनी चाहिए, सो यू हैव टू डू इट, बिकॉज अगर मैं सिखा रहा हूँ और आपको जब इंटरव्यू में अगर आप नहीं कर पाते हो तो इट इज़ समथिंग लाइक कि कोई मतलब का नहीं है, और आगे जाके जब मैं कुछ भी करूँगा तो जब तक आपको रिकॉल नहीं होगा तब तक फिर वो समझ में नहीं आएगा फिर, क्योंकि तो बड़े बड़े प्रोग्राम में मैं वहाँ पे विजेट्स कुछ भी डाल दूंगा, आपको लगेगा ये 50 लाइन हमने ऐसे ही पेस्ट मार दिया है, तो जब आपको प्रैक्टिस होगी तभी, तो नेक्स्ट टाइम मैं टेस्ट लेने वाला हूँ इसके थर्ड मॉड्यूल के ऊपर। शॉर्ट रिवीजन लेते हैं, ये इंपोर्ट टिक इंटर किया क्योंकि वो टूल है जो कि सपोर्ट करता है विजेट्स को क्रिएट करने के लिए, फ्रॉम टिक इंटर इंपोर्ट स्टार, इंपोर्ट स्टार से हम लोग जितने भी विजेट्स है, टिक इंटर मतलब वो टूल हो गया और उसमें से हम लोगों ने इंपोर्ट स्टार किया, मतलब उसमें जो भी विजेट्स हम लोग ले रहे हैं जैसे विंडो क्रिएट कर रहे हैं, टाइटल लिख रहे हैं, लेबल लिख रहे हैं, ये सब कुछ आ जाता है, मोस्ट ऑफ द चीज़ जो होती है ना विजेट्स वो सारे इसके अंदर कवर हो जाती है, एक दो को छोड़ के, जैसे कॉम्बो बॉक्स हो गया, मैसेज बॉक्स हो गया, वो इसके अंदर नहीं आता है। तो वो हो गया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक विंडो क्रिएट की, विंडो क्रिएट करने के लिए टिक इंटर रूट इज इक्वल टू टिक इंटर डॉट टी के किया, रूट डॉट ज्योमेट्री में ये किया, उसकी ज्योमेट्री की साइज आ गई, रूट डॉट टाइटल बेसिक कैलकुलेटर पे उसका नाम दे दिया, लेबल दिया उसका नाम दिया हम लोगों ने, लेबल का क्या है मतलब सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम, मतलब वो उसमें जो विंडो क्रिएट हुआ है उसको लिखा हुआ आएगा, ठीक है। बाद में लेबल किया उसके अंदर हम लोगों ने इंटर फर्स्ट नंबर जहाँ पे कि हम लोग एंट्री डालने वाले हैं, तो उसको हम लोग एंट्री बॉक्स क्रिएट किया वहाँ पे, उनकी पोजीशनिंग सेट की, ठीक है। ये फॉन्ट उसका जो ये है क्या बोलते हैं उसका फैमिली वो डाला उसमें, आप बोल्ड इटैलिक ये सब कर सकते हो, फिलहाल हम लोग नॉर्मल रखा है उसको, ठीक है। एंट्री बॉक्स भी डाल सकते हैं, तो वैसे ही सेकंड भी क्रिएट किया हम लोगों ने, तो अभी तक जो हमारा काम हुआ है वो इतना हुआ है ये। अभी हम लोग यहाँ पे 4 बटन नीचे डालने वाले हैं, ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो बटन को डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं आप लोगों को मालूम है, ऐड B1 इज इज, इक्वल टू बटन। हाँ जो भी है, ऐड इज इक्वल टू BUTTON बटन, रूट उस पे क्या लिखा होना चाहिए, टेक्स्ट इज इक्वल टू ऐड, ठीक है। उसका फॉन्ट और ये सब डाल देंगे हम लोग, कॉपी पेस्ट, ऐड फॉन्ट, ये हो गया। अभी बटन को ऐड करने के लिए पोजीशन देना पड़ेगा, तो कैसे देंगे हम लोग, एड डॉट प्लेस एड डॉट प्लेस, तो प्लेस में क्या करते हैं हम लोग, तो एक्स इज इक्वल टू क्या देंगे, तो एक्स मतलब इस साइड से लेफ्ट साइड से जो स्पेसिंग है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो ये 150 है मतलब जहाँ से इंटर फर्स्ट नंबर है उसके नीचे पहला वाला बटन आ जाए थोड़ा सा साइड में क्या तो भी चलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 200 दे देते हैं, और वाई जो होगा वो क्या करेंगे वो नीचे लेना पड़ेगा काफी, क्योंकि क्या हो जाता है अगर वाई को हम लोगों ने ऊपर जैसा रखा तो वो उसके ऊपर अलाइन हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर ही आ जाएगा, तो ये 150 रखा हुआ है या 200 रखा है उसके नीचे आना चाहिए, तो लेट्स विल मेक इट 250, बाद में चेंज कर सकते हैं। एक बटन क्रिएट हुआ हमारा, देखते हैं क्या है, ऐड आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा नीचे लेंगे और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में और खसका लेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 बटन डालना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, 150 लेते हैं इसको,
एंड इधर और यहाँ पे 150 हो गया, यहाँ पे वाई जो है वो 250 है, थोड़ा सा 300 ले लेंगे। ये ऐड हो गया, ठीक है। वैसे सब्सट्रैक्ट कि इसके ऊपर मर्ज हो गया है तो आगे कर लेंगे। आगे करने के लिए एक्स की पोजीशनिंग के हिसाब से उसको ऐसा डाल देते हैं, देखते कहाँ पे आया अभी। डिवीजन दिस इज पेस्ट। अभी इसकी पोजीशन सेट करेंगे, सब्स्ट्रैक्ट हो गया, इसको मल्टीप्लिकेशन करना था पहले हमें, एक सेकेंड है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इसके ऊपर डाल देंगे, उसमें क्या होगा। मल्टीप्लीकेशन ठीक है। अभी ये 250 पे है तो इसको हम लोग 350 पे कर लेंगे, एंड इसको 500 पे कर लेंगे। ये बराबर बैठ गया अभी। ये बटन से देखो, ये बटन से, ये बटन से, तो थोड़ा सा और इधर ले लेंगे, इसको इधर स्पेसिंग कर लेंगे हल्का सा, मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा इधर ले लेंगे। आप आपके हिसाब से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वैसा ही रखना है। फिलहाल मुझे चार बटन क्रिएट करने थे, वो मैंने कर दिए। अभी नीचे एक और मेरे को एंट्री बॉक्स क्रिएट करना है, जिसमें कि जब मैं इसमें नंबर डालूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ 2 डाला, यहाँ पे 2 डाला, तो ऐड प्रेस करने पे वहाँ पे रिजल्ट आएगा मेरा। तो उसके लिए एक थर्ड एंट्री बॉक्स लेनी पड़ेगी, वो थर्ड एंट्री बॉक्स मैं यहाँ पे लेता हूँ। तो मैं एंट्री बॉक्स वाला जो है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आई गेस, एंट्री वाला बॉक्स जो है बीच में, सेकंड मॉड्यूल ने पूरा बेड़ा गर्क किया हमारा, वरना फर्स्ट मॉड्यूल अच्छा था, थर्ड मॉड्यूल उससे भी अच्छा है, बट वो सेकंड मॉड्यूल के कारण आप लोगों का मूड चला गया होगा, बट वापस से मूड लाना पड़ेगा, क्योंकि आगे आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एआई कुछ सीखोगे तो उसके अंदर ये सारे कोड्स एज इट इज, मैंने एक दो सेशन अटेंड किए उसमें, ऐसे के ऐसे ही वो डायरेक्टली डाल देते हैं वो, तो हमें समझ में आना चाहिए क्या है कैसा है। जिसने किया होगा उसको मालूम पड़ता रहता है, जिसको नहीं किया होगा उसको नहीं मालूम पड़ता। E3, दिस इज E3। अभी ये नीचे सबसे नीचे आएगा, मतलब ये ऊपर वाला जो है वाई का 300 है, ऊपर से 300 है डिवीजन वाला, ये सब 300 वाले हैं जो एक ही लाइन के अंदर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 400 कर देंगे। एक्स जो है वो
350 से लेना है कि 150 से लेंगे, क्योंकि क्या है स्टार्टिंग से लंबा बॉक्स लेते हैं हम लोग, उसका लगत तो थोड़ा हम लोग हायर, इसको देख बताता हूँ मैं आपको, ये सामने ये यहाँ पे आया ठीक है। इस बॉक्स को जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे आएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे हम लोग। तो बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो रूट बीडी इज इक्वल टू 10, विथ इज इक्वल, अच्छा ये डार्क हुआ, ये बड़ा नहीं हमारा, एक सेकेंड, ठीक है ब्रेथ ओके, जस्ट सेकेंड लेट मी चेक क्या हो रहा है। हाँ अभी ठीक है ये, ठीक है। तो बीडी से क्या हो गया, ये जो इसकी थिकनेस दिख रही है वो दिख रहा है वो, और ब्रेथ से क्या हो गया, ये ब्रेथ जो है उसका बढ़ गया हुआ ऐसा। ठीक है अभी इसको थोड़ा स्पेसिंग अच्छा किया, तो ये इसको और थोड़ा नीचे लेते थे, ये और नीचे आता था, ये थोड़ा और नीचे आता था, तो ये ऑलमोस्ट अकोमोडेट हो जाता। उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसकी जो हाइट है वो कम कर देता हूँ मैं। तो कम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में इसको मैं सिर्फ 500 कर दिया मैंने, अभी ठीक लग रहा है ये, थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे 600 कर देंगे, ताकि स्पेसियस दिखना चाहिए। कुछ भी डाउट आ रहा है पूछो, वैसे डाउट वाली चीज़ नहीं है, वैसे पूछ सकते हो आप, अभी ठीक लग रहा है ये हल्का सा। और ये जो एंट्री बॉक्स को नीचे ले लेंगे, तो एंट्री वाली जो E3 वाली जो ब्लॉक है वो क्या है 400 पे, इफ आई टुक इट एट 500 ज़्यादा हो जाता है 475। ठीक है ये ऐसा हो गया। ठीक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी आ गया ठीक है, बाद में हम लोग कर लेंगे अगर लगा तो, ये थोड़ा सा आगे कर लेंगे तो सिंपल कैलकुलेटर के साथ स्मूथली दिखेगा। ठीक है फिलहाल हमारा काम है यहाँ पे जो मैं नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे 2 और यहाँ पे सपोज 3 डाला, तो ऐड प्रेस करने पे यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए। तो फंक्शंस कैसे डालेंगे हम लोग, तो उसके लिए देखो चारों के लिए सेम है, यहाँ पे डालेंगे हम लोग। एक का मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, बाकी का आप लोग समझा दूंगा मैं, तो बाकी का आप लोग कर सकते हो, वो भी करके दिखाने वाला हूँ। ये हम लोगों ने एक जब फंक्शन क्रिएट किया था उस टाइम में देखा था हम लोगों ने, फिर से बताता हूँ मैं ये क्या है। हमने एक सम नाम का फंक्शन क्रिएट किया हुआ है और उसके अंदर एक सेल्फ, ये बाय डिफॉल्ट एक इसका सिंटेक्स है। इससे होता क्या है, ये फंक्शन क्रिएट हो गया सम, अभी मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट ए दैट इज इक्वल टू इवन डॉट गेट। इवन डॉट गेट का मतलब क्या है, एक सेकेंड, इवन हमारा क्या है, ये हमारा इवन है, दिस इज आवर इवन, दिस इज आवर E2 एंड दिस इज आवर E3 ठीक है। तो क्या करना है, जब हम लोग एड प्रेस करते हैं तो इवन से वैल्यू लेगा मतलब गेट, E2 से वैल्यू लेगा दैट मीन्स गेट, एंड E3 को वैल्यू देगा ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू जो भी यहाँ 2 देंगे तो गेट लेगा, गेट होगा ये भी गेट होगा, और ये करना है ऐसा। तो क्या करना पड़ेगा, वापस से मैं करता हूँ, तो सेल्फ डॉट ए का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ की जो वैल्यू सपोज मैंने 2 3 जो भी डाली वो ए वेरिएबल में स्टोर हो रहा है,
यहाँ पे जो वैल्यू जो डूबी डालूंगा 3 4 5 वो बी वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। हाँ तो वो उसमें स्टोर होगा, ठीक है। तो इसीलिए उसको लिखा है सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू ई1 डॉट गेट, सेल्फ डॉट बी इज इक्वल टू ई2 डॉट गेट, प्रिंट वैल्यू ऑफ ए इज, वैल्यू ऑफ ए इज, वैल्यू ऑफ ए इज सेल्फ डॉट ए, वैल्यू ऑफ बी इज सेल्फ डॉट बी। ये क्यों किया है, इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोगों ने डाल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक सेकेंड, प्रिंट वैल्यू ऑफ ए इज सेल्फ डॉट ए, मतलब यहाँ पे जब हम रन करेंगे तो वहां पे रिजल्ट आएगा, बट यहाँ पे भी इस नीचे वाले जहाँ आउटपुट विंडो वहां पे दिखेगा वैल्यू ऑफ समथिंग करके, ऐसा वैल्यू ऑफ बी इज सेल्फ डॉट बी। एडिशन, ये सम मतलब एडिशन होगा, इंट सेल्फ डॉट ए मतलब ये जो वैल्यू यहाँ से लेगा वो सेल्फ डॉट ए में स्टोर हो रहा है, तो सेल्फ डॉट ए मीन्स एडिशन ऑफ टू नंबर, ठीक है। बाद में क्या है रिजल्ट, रिजल्ट मतलब कहाँ पे जा रहा है वो इसके अंदर जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो रिजल्ट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ टू नंबर, ये वाली लाइन वैल्यू ऑफ ए इज, वैल्यू ऑफ बी इज एंड एडिशन ऑफ टू नंबर इज, ये यहाँ पे प्रिंट के लिए रखा हुआ है, बाकी इसका कुछ भी इस विंडो के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है। लगा तो बाद में उसको हटा के भी मैं दिखाऊंगा आपको। रिजल्ट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ टू नंबर इज प्लस स्ट्रिंग एडिशन, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, E3 dot delete 0 comma end E3 dot insert end comma result, ये दोनों लाइन को समझो ये क्या है। क्या होगा जब मैं यहाँ पे कोई नंबर दूंगा 3, यहाँ पे कोई नंबर दूंगा 2, तो क्या होता है उसको जब मैं ऐड पे प्रेस करूंगा तो वो यहाँ पे 5 देगा, फिर साइमल्टेनियसली अगर ऐड के बाद मैंने सब्सट्रैक्ट को प्रेस किया तो क्या करेगा, ऐड के रिजल्ट को यहाँ से डिलीट कर देगा और सब्सट्रैक्ट के रिजल्ट को यहाँ पे इंसर्ट करेगा। फिर मैंने क्या किया, अभी मेरे पास सब्सट्रैक्ट का रिजल्ट यहाँ पे है, फिर मैं क्या करूंगा मल्टीप्लिकेशन पे प्रेस करूंगा तो सब्सट्रैक्ट का रिजल्ट को डिलीट करेगा एंड मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट को इंसर्ट करेगा। फिर मैं जब डिवीजन पे प्रेस करूंगा तो मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट को डिलीट कर देगा, डिवीजन के रिजल्ट को इंसर्ट कर देगा। इन द सेम वे डिवीजन के बाद अगर सपोज मैंने सब्सट्रैक्शन को प्रेस किया तो डिवीजन के रिजल्ट को डिलीट करके वो सब्सट्रैक्शन के रिजल्ट को यहाँ पे डाल देगा। तो उसके लिए ये दो चीज है, E3 डॉट डिलीट ब्रैकेट 0 कॉमा एंड E3 डॉट इंसर्ट एंड कॉमा रिजल्ट, ठीक है। जब करेंगे तब समझ में आएगा आपको क्या है। अभी कैसा है, ये सम के लिए किया मैंने सम, ठीक है। तो वैसे ही मुझे सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड डिवीजन के लिए करना पड़ेगा। तो सिंपल सा है फंडा, क्या करना पड़ेगा, कॉपी करो, पेस्ट करो। क्या पेस्ट किया, अभी यहाँ पे सब डाल देंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, तो यहां पे माइनस देना पड़ेगा, यहां पे क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन, यहां पे कॉपी सब्ट्रैक्शन, यहां पे सब्ट्रैक्शन SUB, बाद में मल्टीप्लीकेशन, कॉपी Thank you.
एक और डिटेंट देना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखते करके। हाँ बराबर बैठ रहे हो, वैसे ही इसको देना पड़ेगा। डिटेंड सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या डालेंगे? मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिवीजन। वेरी गुड। तो ये चारों अभी हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। अगर मैं अभी रन करूंगा इसको तो रन नहीं होगा, क्योंकि इसको हमें एक क्लास के साथ कोरिलेट करना पड़ेगा। सपोज मैंने क्लास का नाम दिया ऐड, ये दिया बराबर है। ठीक है, अभी इशू क्या है, ये मैंने यहाँ डिफाइन किए हुए हैं, बट उसको नीचे भी बताना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे ऐड सब्सट्रैक्ट में मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कमांड इज इक्वल टू एक्स डॉट ऐड, कमांड इज इक्वल टू एक्स डॉट सब। अगर बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रहा है तो बोलो मैं। ठीक है, ये सब्सट्रैक्शन वाला है। कौन से लाइन में कर रहा हूं मैं बताता हूं। मैं ये सब्सट्रैक्शन वाला जहां बटन ऐड किया उसी लाइन में ऐड कर रहा हूं मैं, ताकि ऊपर वाले जो चीजें लिखी है उसको नीचे वाले के साथ मैं पूरे इसको कनेक्ट कर सकूं। एक्स डॉट एस यू पी सब्स, यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन वाला था। एक्स डॉट मल्टीप्लीकेशन कमांड इज इक्वल टू एक्स डॉट डिवीजन। ये चारों हो गए, अभी क्या करना है? ये चारों हो गए। अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैंने एक्स डॉट सब लिखा है, एक्स डॉट एड लिखा हुआ है,
तो ये सारी चीजें ऊपर सब है, मल्टीप्लिकेशन भी ऊपर है, बट एक्स जो है वो अननोन है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू कोई भी एक इसमें से फंक्शन ले लेंगे हम लोग, एक्स इज इक्वल टू एड, ठीक है, ताकि एक्स डिफाइन हो जाएगा हमारा। बाद में यहाँ पे एड को क्या किया मैंने, क्लास में डाल दिया उसको, ठीक है। अभी एक बार रन करते हैं, फिर देखते हैं एरर क्या आता है, उसके हिसाब से हम लोग वर्कआउट करेंगे। एड और इसको हटाया, पहले देखते हैं हटा के क्या होता है। देखो इधर एक्स इज नॉट डिफाइंड, नीचे आ रहा है एक्स इज नॉट डिफाइंड, तो इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। सब्सट्रैक्शन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवीजन आ गया, ई थ्री आ गया। अरे एड ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एड, ओके, एक्स डॉट एड जो डाला हुआ है उसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है। यहाँ पे सम लिया है, ऊपर एड लिया है, क्लास एड, यहाँ पे भी वही किया है क्लास एड। ठीक है, तो बराबर है, ये भी बराबर है, ये बराबर है, यहाँ पे x इज इक्वल टू एड, बिकॉज यहाँ पे मैंने सम रखा हुआ है, एड नहीं रखा हुआ है, एड को ऑलरेडी ऊपर में क्लास में डिफाइन किया हुआ है, तो वो जो ऊपर फेच कर रहा है वो इसके वजह से नहीं फेच कर रहा है, वो इसके वजह से नहीं फेच कर रहा है, वो इसके वजह से फेच कर रहा है, वो कनेक्ट कर रहा है वो, ठीक है। अभी देखते हैं, तो यहाँ पे अगर नंबर डाला मैंने सपोज 6 और यहाँ पे मैंने नंबर डाला 2, तो अभी क्या होगा, एडिशन ऑफ टू नंबर, तो 6 प्लस 2 8। अभी सब्सट्रैक्शन करेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, सब्सट्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड, सब्सट्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड, लेट मी फिनिश, ओके। ऊपर में सब्सट्रैक्शन जो है ना, यहाँ पे सब है, यहाँ पे क्या किया हुआ है, सम रखा हुआ है, सम, यहाँ पे एडिशन रखा हुआ है, यहाँ पे एडिशन आ गया, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, अच्छा टी आर ए, गलती किधर हो रही, दिस इज सब, उसका कोई मतलब नहीं क्योंकि ये सम है, यहाँ एडिशन रखा है तो इट विल ओके, यहाँ पे भी एडिशन रखा है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सब रखा हुआ है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन भी रखा तो भी चलेगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन रखा तो भी चलेगा, ये दोनों सेम होना चाहिए। बाद में ये सर सब आपने फंक्शन ऐसा दिया है एडिशन इज इक्वल टू, कहाँ पे हाँ, सर एडिशन इज इक्वल टू इंट सर। एग्जैक्टली। अभी हर जगह प्रॉब्लम आती थी, वो पूछो क्यों, क्योंकि हर जगह में वो मैंने छोड़ दिया वैसा। अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, कॉपी मल्टीप्लिकेशन, पहले कॉपी पेस्ट भी करना हो तो थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है।
फोर डिवाइड बाई टू, फोर फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर इज टू, एडिशन किया तो सिक्स, सब्सट्रैक्शन किया तो टू, बिकॉज फोर माइनस टू विल गिव यू टू, देन मल्टीप्लीकेशन, फोर टू जा एट, एनीबडी टेल मी डिविजन प्रेस करने पे क्या आएगा, एनीबडी बोल के बताओ यार, टू आएगा, सो लेट्स डू दैट, सो इट्स टू, ठीक है, सो इस वजह से सिंपल कैलकुलेटर आ गया। अभी आपको ध्यान देने वाली जो चीज है, जो आगे आपको काम बहुत आने वाली है, जिसमें कि अगर मैं पूरा रियल कैलकुलेटर बनाऊंगा तो इसमें करना क्या पड़ता है, तो आपको ये बटन्स ऐड करना, ये सब तो छोटी छोटी चीजें, एंट्री बॉक्स, ये सब आपको हो जाएंगे, आप दो चार पांच विंडो पे काम करोगे, पांच बार आप टाइप करोगे तो हो जाएगा। फंक्शन कैसे किया हुआ है, सो कमांड इज इक्वल टू एक्स डॉट सम, और फिर वहां पे हम लोगों ने उसको एज ए फंक्शन जो लिया है वो सम लिया हुआ है, ठीक है। बाद में ये चीज जो है सेल्फ, ये उसका सिंटेक्स है, तो सेल्फ डॉट ए, ई वन गेट से लिया, ई टू, ई वन ई टू क्या है, तो जो बॉक्सेस जो क्रिएट किए, जहाँ पे हम नंबर डाल रहे हैं, देयर दोज बॉक्सेस आर ई वन एंड ई टू, ठीक है। खाली ये देखना, जहाँ पे एक्स डॉट डिविजन किया है तो वहां पे फंक्शन का नाम भी डिविजन डाला हुआ है, यहाँ पे देखो ये डिफाइंड फंक्शन होता है, क्लास एड, तो इस वजह से ये क्रिएट हुआ है। मैं भी क्या कर रहा हूं, इस चीज को मैं गूगल क्लासरूम में भी डाल देता हूं, और इसकी जो ये प्रोग्राम है, क्योंकि प्रोग्राम में क्या होगा, आपको अभी भी आपका जो बेसिक है पाइथन का क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे एक भी इंटेंडेशन हटाया, इंटेंडेशन हटाया मतलब मैंने इस चीज को ऐसे कर दी, सर ये नहीं है, आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, भाई सिंपल सा फंडा है कि ये ऊपर वाले का सिंटेक्स क्लास एड कॉलन है, कॉलन आ गया मतलब वहां पे एंटर प्रेस करने का, अपने आप आपको समझ में आता है कि नेक्स्ट लाइन यहीं से शुरू होनी चाहिए। बाद में जो डिफाइन फंक्शन है वो भी कॉलन से स्टार्ट होता है, उसको जैसे ही आप एंटर दोगे आपको समझ में आता है कि नेक्स्ट लाइन जो है वहां से स्टार्ट होगी। अगर मैंने इस लाइन को ऐसे कर दिया तो मेरे को आउटपुट नहीं आएगा, एरर दिखाएगा। तो जो स्पेसिंग है ये, जहां पे कॉलन आता है उसका नेक्स्ट लाइन जो है वो इंटेंडेशन के साथ ही स्टार्ट होता है, और समझने के लिए खाली एक एंटर प्रेस कर दो, आपको समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट लाइन की पोजीशनिंग कहां से स्टार्ट होनी चाहिए। आप भले ही उसी के नीचे भी लिखो तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, बट उससे पहले या आगे नहीं हो सकता है वो, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट प्लेस। जैसे कि मैंने डेफ नीचे किया तो भी आउटपुट मिलेगा मुझे, क्योंकि वो उसी की लाइन के नीचे आ रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पे, मोस्टली मैं बताता हूँ आपको उधर ही प्रॉब्लम आएगी, बाकी और कहीं भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये वाला जो ये है, इसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ मैं, और क्लासरूम में भी पोस्ट करता हूँ, इसको रन करो और उसको जो है आप अपलोड करो, कहाँ पे, गूगल क्लासरूम में जहाँ पे मैंने इसको डाला है, ताकि नेक्स्ट टाइम से पहले मैं चेक करके एक्नॉलेज कर दूंगा, और नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्टिंग के कुछ 15-20 मिनट्स टेस्ट लेंगे, एंड देन हम लोग करेंगे फिर उसको एक, फिर आगे का सेशन लेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं अटेंडेंस सर्कुलेट कर देता हूँ आपको, एंड बाद में फिर आप अटेंडेंस मार्क करो। आज हम लोग इतना ही रखते हैं।
आउट ऑफ 12 9 स्टूडेंट्स आर ओनली देयर. प्रीति हैज टोल्ड मी दैट शी हैज सम नेटवर्क इश्यूज सो आई कैन कंसीडर हर. दैट इज 10 स्टूडेंट. टू श्रद्धा एंड अक्षय. अक्षय हैज आल्सो एक्नॉलेज्ड मी ही इज ट्रैवलिंग सो वन श्रद्धा इशू इज देयर. तो आप लोग अटेंडेंस मार्क करो, तब तक मैं गूगल क्लासरूम में इसको डाल देता हूँ मैं.